नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख सकते हैं कि आज के वीडियो आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आया है। एक ऐसा शानदार डिनर जिसकी परिकल्पना हम लोग कर भी नहीं सकते। आज इस खास डिनर में हमारे बेगूसराय जिले के सम्मानित विद्वत जन, प्रबुद्ध जन और हमारे जिले के अभिभावक यहाँ एक साथ, एक पूरी टीम जो मॉर्निंग वॉकर्स संघ की जो टीम है, आज एक साथ एक इस सभागार में हमारे साथ हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब पूरी टीम एक साथ आती है। खाना तो हम लोग हर रोज खाते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जब वो पूरी टीम एक परिवार के रूप में होती है तो उस खाने का कुछ मज़ा ही कुछ होता है। तो एक शानदार डिनर, एक शानदार रात, और इस शानदार रात की यादें शानदार हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो आयोजन हुआ है इस शानदार डिनर का, ये अंजनी जी के द्वारा प्रायोजित है, जो कि पेशे से वकील हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं अंजनी जी से ही जाना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे ज़िले के मशहूर और हम सब के गार्जियन नली जी यहाँ पर आए हैं, और उनका संपूर्ण यहाँ जितने भी टीम है उनके ओर से पूरा अभिनंदन। सर, शुरुआत हम अपने गार्जियन अंजनी जी से ही करना चाहेंगे। सर, आज का सर जो इस तरह का जो डिनर है सर, यहाँ पर आकर सर कैसा लग रहा है सर? ये अद्भुत आनंद मेरे लिए पहली बार नहीं है, ये आप लोगों के लिए पहली बार है, तो मैं तो आप ही से चाहूँगा इस पर। हमको तो बहुत अच्छा लगा, पूरी केमिस्ट्री की पूरी टीम यहाँ आई है, डॉक्टर रोशन सर और हम लोग की जो पूरी टीम है यहाँ पर है। हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप लोग प्रबुद्ध जनों के साथ हम लोग डिनर पर आए हुए हैं। हमें तो पूरी हम संपूर्ण टीम की ओर से आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। हम लोगों का जो मॉर्निंग वॉक है, ये सामूहिक जीने का, आपस में सौहार्द भाव रखने का, समानता का भाव रखने का, जानकारी का विनिमय का एक बहुत बड़ा मंच है। शारीरिक, मानसिक, मतलब दैहिक, भौतिक, जितना तरह का ताप है, तीनों ताप हम लोगों को मॉर्निंग वॉक से मिल जाता है। और उसी का एक परिणाम है कि हम लोग महीना दो महीना पर अपने उद्गार से स्वयं कहते हैं कि इस बार हम पार्टी देंगे। यहाँ लड़ाई होती है कि किनकी पार्टी पहले हो, किनकी बाद में। ये गजब का हम लोगों के आपस में संबंध है, स्नेह है। सर, अब आपने बहुत बड़ी बात कही, यहाँ हर कोई खाना चाहता है और यहाँ खाना खिलाने के लिए पार्टी, क्योंकि हमको पहले नंबर मिलना चाहिए, हम खाना खिलाना चाहते हैं, कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा सौहार्द, ऐसा भाईचारा, अपनापन का संबंध वाला कोई भी समूह आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हमारे साथ हम देख सकते हैं कि आर्यभट्ट जो जाना माना शिक्षण संस्थान है उसके निदेशक हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस जो हमारी ये जो डिनर पार्टी है, जो मॉर्निंग वॉकर्स के द्वारा जो दी जाती है, ये परिकल्पना कब से शुरू हुई? जहाँ डॉक्टर नलिनी रंजन होंगे वहाँ तरह तरह की परिकल्पनाएँ आएंगी। बेगूसराय में महाकुंभ की शुरुआत करने वाले भी हमारे डॉक्टर नलिनी रंजन बाबू हैं, जो महाकुंभ समिति के अध्यक्ष रहे हैं। और आज जो ये मॉर्निंग वॉकर का देख रहे हैं, ये हम लोग जितने भी हैं, पहले हम लोग शुरुआत किए दो चार आदमी, हम थे, डॉक्टर मुरारी मोहन थे, अमरिंदर बाबू थे, और यहाँ के एक पूर्व डीओ थे और चंद्रशिला मैडम थी। तो हम लोग ऑफिसर कॉलोनी में टहलते थे, तो एक ग्रुप बनाया, उसका नाम हम लोग रखे थे हम पाँच जवान। पाँचे आदमी हम लोग बुझ रहे थे कि जवान हैं, टहलने के बाद काफ़ी स्फूर्ति महसूस होती थी। फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ते गए, अलग अलग लोग टहलते थे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब बहुत पहले से टहल रहे हैं, और जुड़ते जुड़ते आज हम लोगों का समूह देख रहे हैं। फिर उन्होंने जो कहा अभी डॉक्टर साहब कि हम लोगों का एक सामूहिक जीवन जीने का एक अभ्यास हो गया, और उसी में हम लोग जी रहे हैं, मिलते हैं रोज़ सुबह में, हंसते हैं, बोलते हैं और खुश रहते हैं। और सही में महीने में, दो महीने में कहीं पार्टी हो जाए, हम लोग एक साथ मिलकर के खाएं और हंसें, बोलें, खुश रहें, इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों के बीच हुआ करता है। आपको एक बात मैं कहूं तो आपको आश्चर्य लगेगा, हम लोहिया नगर में रहने वाले हैं, वहां पर एक डॉक्टर इतने जाने माने हैं जो आज तक कभी सत्यनारायण भगवान का पूजा भी नहीं दिए, और उनकी जो पार्टी हुई मॉर्निंग वॉकर टीम में वो अतुलनीय है। इतना ज़बरदस्त पार्टी उन्होंने दिया,
मैं नाम उनका नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने यह देखकर साबित कर दिया कि मॉर्निंग वॉकर टीम को हम कैसे खुश रखें। और बहुत दिलोजान से वो खर्च करके सर्किट हाउस में ज़बरदस्त पार्टी दिया था। तो इस तरह से हम लोगों का जो बहुत ही कंजूस लोग हैं वो भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है हमारा मॉर्निंग वॉकर टीम। हम लोग खुश हैं और हमारा नेतृत्व डॉक्टर निरंजन बाबू कर रहे हैं, ये हमारे अरविंद बाबू कर रहे हैं, मुरारी मोहन जी कर रहे हैं। तो सब लोगों का एक अच्छा प्रयास है। और सबसे अच्छा प्रयास यह हुआ कि आज आप सबों ने, डॉक्टर रोशन जी ने, आप लोगों ने इसको और अच्छा पूरे ज़िला के पैमाने पर इसको और ज़िंदा किया है। लोगों में एक अच्छी प्रेरणा जाएगी। आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू। हम अरविंद जी से जानते हैं सर, चूँकि आप यहाँ पर हम सबों के गार्जियन सब में बड़े हैं सर। सर आपको सर कैसा लग रहा है सर, चूँकि ये जो पूरी टीम इस तरह, चूँकि आपकी ही टीम है और आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है, सर कैसा लग रहा है? मार्गदर्शन तो सब आदमी का है, खास करके डॉक्टर नलिनी बाबू का, हम लोगों का है। आर्यभट्ट के निदेशक हैं। पहले सब अलग अलग ही घूमते थे, कोई मज़ा नहीं था अपना। हम घूम के घर चले गए, वो घूम के घर चले गए। धीरे 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 ऐसा हो गया जो अब एक दूसरे के बिना दूसरे को मन ही नहीं लगता है। मुझे एक आदमी अगर नहीं आते हैं ना तो लगता है कौन संबंध है, कौन संबंध है ये बात, मैंने क्या कहें कि एक दूसरे आदमी कहने लगते हैं कि आज फलाने बाबू काहे नहीं आए, क्या बात है। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो फ़ोन पर फ़ोन शुरू हो गया, क्या है, क्या हालचाल है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो यह सब बात है। और बात बड़े बड़े टाउन में देखते होइएगा, हंसने का एक क्लब होता है जहाँ लोग हंसते हैं खूब। तो हम लोगों का हंसने का, बोलने का और इंटेलेक्चुअल बात भी जो है, जैसे कोई वेद की कथा हुई, कोई कहानी हुई, कोई माने इतिहास का हुआ, तो यह सब भी बात रास्ते में घूमते हुए कुछ निकल गया तो उसमें कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये सब बात भी हम लोग करते हैं। और संडे के संडे हम लोगों को एक टी पार्टी होता है वहीं स्टेशन पर। एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके सौजन्य से वहाँ खुलता है प्रतीक्षालय, और नलिनी बाबू वहाँ हम लोगों को टी पार्टी देते हैं। उसमें सब आदमी चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं और खूब हंसते हैं, खूब बोलते हैं, एक दूसरे से गला मिलते हैं और फिर अपना अपना चलते हैं। और सबसे अद्भुत वहाँ चीज़ है, अगर देखने वाला है तो हम जितने हैं सब आदमी सूर्य प्रणाम, जो हिंदू का एक कस्टम होता है, और सूर्य के जितने नाम हैं मंत्र सहित वेद में जो दिया हुआ है, उस सब उच्चारण करते हैं, फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं ये शंकर जी का, भगवान का जो है महामृत्युंजय पढ़ते हैं, और सूर्य को प्रणाम करके तब हम लोग विदा लेते हैं। तो हम लोग पूर्ण आध्यात्मिक रूप से भी वहाँ हंसते बोलते हैं तो वो अलग है, लेकिन सबसे हमको जो दिल में बैठता है और हम जुड़े जो हैं उसी लेके जुड़े हैं कि सबसे पहले सूर्य को प्रणाम करते हैं हम लोग सब। कम से कम 50 आदमी रहते हैं, 60 आदमी, और सब आदमी हाथ जोड़ के सब आदमी प्रणाम करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं और तब भी डाल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किया। आभार सर आपका। आपको ज़्यादा आभार। और कैसे हमारी टीम की एक महिला सर, एक मात्र महिला वीरांगना है, मैडम से मुलाकात नहीं हुई। और आप देख सकते हैं क्योंकि नारी सृष्टि की आधार है, सृष्टि स्वरूपा है, और इस मॉर्निंग वॉकर्स टीम में एक महिला सदस्य भी है। और आइए इनसे जानते हैं, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि वेद सर्वत्र नारी को पूजती रही है, और ये पेशे से प्रधानाध्यापक और DDO भी रह चुकी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके विचार जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम। चंद्रशीला कुमारी नाम है मेरा। अच्छा चंद्रशीला जी, आपको नहीं लगता कि आप इस टीम में एकमात्र महिला सदस्य हैं, तो आपको थोड़ा सा अटपटा ढंग से कुछ लगता होगा? क्या लगेगा अटपटा, जब DDO का काम कर चुके हैं तो इतना आदमी से हर समय फेस करते थे, इसलिए कोई अटपटा नहीं लगता है। अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि जो हमारा समाज है ये रूढ़िवादी समाज है, आज भी महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाता है, उनको घर से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी सुननी पड़ती है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। कभी आपने अपने जीवन में ये फेस किया है? सुने ही नहीं किसी को, कभी जीवन में किसी का सुनबे नहीं किए, बस अपने मन से करते गए और जो अच्छा लगा वो किए। कैसे इस टीम के साथ कैसे जुड़ा हो गया आपका?
अशोक जी तो बोल चुके कि 5 आदमी हम लोग अफसर कॉलोनी में घूमते थे, धीरे धीरे अफसर कॉलोनी से बढ़े तो प्लेटफॉर्म पर अफसर कॉलोनी बंद हो गया घूमना, तो हम लोग पुल पर घूमना शुरू किए, पुल पर सब लोग मिलते गए और आदमी बढ़ते गए और सब एक दूसरे से संबंध होते गया। अच्छा, जो हमारा कहना है क्योंकि आप नारी शक्ति का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो जो यहाँ से सुन पा रहे हैं हमारे दर्शक, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नारी को भी सबल होना चाहिए और कहीं किसी से हिचकिचाहट नहीं, बात करने में क्या दिक्कत है, कहीं किसी से बात करते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है हमको बात करने में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। और अच्छा, विनोद जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लग रहा है सर इस शानदार पार्टी को यहाँ जहाँ हम लोग शामिल हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धेय वॉकर संघ के सचिव महोदय एवं अध्यक्ष महोदय के संरक्षण में हम लोगों की जो टीम बनी है बहुत बहुत अच्छा टीम है। तो मन तो इसलिए भी बहुत खुश होता है कि हर रोज नए नए तरह के जो पकवान व्यंजन परोसे जाते हैं, काफी अच्छा से हम लोग भोज सोच कर ही खुश हो जाते थे और यहाँ तो हर रोज भोज हो रहा है। इसलिए कि सौहार्दपूर्ण जितने भी वॉकर संघ के सदस्य हैं स्वयं अपने प्रोग्राम देते हैं, उस प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं। हमें तो ये भी सुनने में आया है कि कुछ इसके जो टीम के कुछ मेंबर्स हैं जिनको इंतजार रहता है, मतलब वो जैसे पार्टी 7 बजे को होती है और वो चाबी से इंतजार करते हैं कि हम लोग कब, मतलब कब जल्दी 7 बज जाए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग टाइम पर मिल जाते हैं सब लोग। कुछ लोग 4 बजे से इंतजार करते हैं कि कब 7 बज जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, घूमने के समय में जो समय लगता है हम लोग देने के लिए सक्षम रहे सभी। हम पार्टी की बात करें कि पार्टी में आज क्या बन रहा है, कौन से व्यंजन बनने वाले हैं, कभी कुछ सोच के कहीं, मतलब होता है ना कि हम लोग भी खाने में कुछ अच्छा लगता है तो मुंह में इस तरह का कुछ, ऐसी कोई फरमान नहीं है। मीनू सभी भाई, मीनू की जानकारी हो जाती है तो पूरा ध्यान तो मीनू पे होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, थैंक यू। अब हमारे साथी एंकर नीलेश जी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को अब बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे लेकिन इन लोगों की जो टीम है ये हमेशा समाज को नई दिशा देगी, बेगूसराय के लिए हमारे हमेशा कुछ सोचते हैं, नया सोचते हैं और बेगूसराय निश्चित रूप से तरक्की की राह पे चलेगा। हमारे साथी एंकर नीलेश जी हैं, ये आपको अपने शब्दों में उद्बोधित करेंगे। तो हम अभी गौरव जी हमारे साथ थे, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया कि आज व्यंजन क्या बनाया, तो हम इन लोगों से भी जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि सुबह का व्यंजन हमें सुबह मालूम चल जाता है कि रात को क्या बना है किनके यहाँ। सर, क्या बना है आज आपके यहाँ? भेज और नन भेज दोनों है, मन भर के खाना है और इसके लिए हम सारे टीम में कुछ एक लोग, उसमें पहला हम हैं जो आज दिन में भी नहीं खाना खाए हैं और नमक के साथ मिर्च भी लगा के आए हैं कि खाते जाएंगे लेकिन पेट नहीं भरना है। अकेले खाते हैं कि दूसरों को भी खिलाते हैं? नहीं नहीं, सब मिल के खाते हैं। सर, आप जितने दुबले पतले दिख रहे हैं, क्या लग रहा है खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? निश्चित खाना खाते हैं और भरपेट खाते हैं, पूरा खाते हैं, पूरे समूह के साथ खाते हैं। तब भी इतने दुबले पतले दौड़ने से हो गए? तो सुबह का एक्सरसाइज है, नहीं डायबिटीज है, नहीं ब्लड प्रेशर है और नहीं तो तोंद बढ़ा हुआ है। मतलब मॉर्निंग वॉकर समिति का मतलब सहयोग है, सब लोग के सहयोग से मतलब स्वस्थ हैं। तो कितने घंटे घूमते हैं आप? 2 घंटे, 5 से 7 लगभग। हम लोग तो हमारे साथ एक और हैं, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। तो आज की पार्टी आप लोग एंजॉय करने आए हैं, तो सुबह के दौड़ने के बाद अभी का खाना कितना सुबह बचेगा फिर? खाना तो नहीं बचने देंगे हम लोग, ये सोच के आए हैं, जम के खाएंगे। क्या लगता है झोले में भी बंद करके जाना है? बंद करके तो नहीं जाना है लेकिन पूरी तरह खा के जाना है।
ऐसा नहीं है। भाभी को हम तो बच्चा भाभी को धन्यवाद दे रहे हैं, सबको मनोज बाबू सही में सौहृदय आपने इतना अच्छा व्यंजन खिलाया, हर दाने में आपके हर दाने में हर कण में लगा केवल प्रेम और मोहब्बत का केवल बरसात। खुशी हुई आपको दिल से हृदय से पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थोड़ा सा कैमरा उनके पास तुला बाबू आप भी कुछ बोल दीजिए ऐसे। धन्यवाद या नहीं भी कुछ बोल धन्यवाद आपके मुंह से भी कुछ हो जाए। हम बाबू को भी ज्ञान आप खूब बोलना बोलना। अच्छा हम तो सबसे पहले हम अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक बाबू नलनी बाबू को जिन्होंने प्रेरित किया मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और दूसरी बात जितने इस संघ के मेंबर हैं भोज में तो सब जुट जाते हैं टहलने में इसलिए व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि भोज खाइए तो टहलने के लिए भी आइए।